नमस्कार दोस्तों, मैं भरत सिमानी आप सबका स्वागत करता हूं मेरी पॉडकास्ट सीरीज के एपिसोड 6 में। तारीख है 16 जनवरी 2019। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने जाना कि स्टार्टअप आइडिया को वैलिडेट करने की ज़रूरत क्यों है एंड वैलिडेशन करने के लिए स्टार्टिंग के स्टेप कौन कौन से हैं, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं बाकी के 3 स्टेप के बारे में। और हाँ, अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं सुना हो तो प्लीज़ आप पहले वो सुन लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, उसके बाद आप इस एपिसोड को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन फॉर द स्टेप 4। सो स्टेप 4 में आपको जानने की कोशिश करनी है कि जो भी आपके टारगेटेड यूज़र्स हैं उनकी करंट प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्या वो कुछ मिक्स ऑफ टूल्स का यूज़ कर रहे हैं उस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, क्या वो उस प्रॉब्लम को किसी थर्ड पार्टी एजेंसी या पर्सन को आउटसोर्स कर रहे हैं, या फिर वो उस प्रॉब्लम का यूज़ करने के लिए किसी टूल को टूल या सर्विस प्रोवाइडर को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास इन सभी सवालों का जवाब आ जाए तो आप उसमें से यह ढूंढने की कोशिश करिए कि करंट सॉल्यूशन जो उनके पास है उसमें क्या प्रॉब्लम है, या फिर करंट सॉल्यूशन में लोगों को क्या पसंद नहीं आ रहा है, या फिर करंट सॉल्यूशन में क्या कमी है जो आपके कस्टमर महसूस कर रहे हैं और उनको क्या चाहिए, और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम को फास्ट एंड ईजी वे में सॉल्व कर सके। जब आप इन सभी बातों को समझ जाएं, फिर ट्राई करिए कि आपके प्रोडक्ट में वो सारे सॉल्यूशन डालने की कि आपके यूज़र्स को जो कि आपके यूज़र्स को चाहिए, और एक बार उनसे फीडबैक लेके एक बार उन्हें कन्फर्म कर लीजिए। जब आप ये 4 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास होगी एक क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे लोग जिनका के फेस कर रहे हैं, और उस आपके पास एक होगी अपॉर्चुनिटी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम स्टेप 5 की तरफ बढ़ते हैं, और स्टेप 5 है बजट वेरिफिकेशन। तो देखिए, आपका जो मेन गोल है वो पैसे कमाना है और अपने बिजनेस को चलाना है, तो जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको यह जानना ज़रूरी है कि क्या वो इतनी वैल्यूएबल है लोग आपको उसके पैसे देने के लिए रेडी हो जाए। तो आपने जिन भी अपने टारगेटेड यूज़र से या कस्टमर से पहले बात की है तो उनसे आपको फीडबैक लेना है कि क्या वो आपको आपका जो सॉल्यूशन है उसके लिए पेमेंट करने के लिए रेडी है। तो आप जब उन कस्टमर से बात करेंगे तो आपको मेनली 3 तरीके के आंसर्स मिल सकते हैं। जो पहला हो सकता है कि वो आपको क्लियरली मना कर दें कि नहीं, हम आपको कोई पैसे नहीं देंगे। दूसरा हो सकता है वो आपको कहें कि शायद वो दे भी और ना भी दे, पर वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं देंगे। और तीसरे, जो आपके सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं वो आपको कमिट करेंगे कि हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो वो उसे बाय करने के लिए रेडी हैं और वो आपको उसके बदले पेमेंट भी देंगे। तो अब आपको अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार, और आपको जितना ज़्यादा कस्टमर्स ने कहा है कि वो आपको पैसे देने के लिए रेडी हैं, उस पर बेस्ड होकर अपना डिसीजन लेना है और फाइनल करना है कि आप अपने स्टार्टअप आइडिया को कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं। और जब आप इस स्टेज पे आ जाते हैं तो आपके पास एक टायर 1 प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं, आपके पास ऑडियंस है जो आपका प्रोडक्ट या सॉल्यूशन बाय करने के लिए रेडी है, आपको पे करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे आपका जो मेन काम है लाइक स्टार्टअप आइडिया फाइंड करने का ख़त्म होता है, और आप अपने आइडिया वैलिडेशन के लिए और भी क्रिएटिव चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लाइक कि आप एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, उस लैंडिंग पेज पे आप अपनी जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व करना चाहते हैं उसे क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, और लोगों तक सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के थ्रू पहुंचा सकते हैं, या फिर आप एक एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं जहाँ पर आप एक स्टोरी के रूप में या एक प्रेजेंटेशन के रूप में लोगों को प्रॉब्लम के बारे में अवेयर करेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे, और उसके बाद जो उन्हें बेनिफिट प्राप्त होगा उसको विजुअलाइज करेंगे। तो इससे लोग आपकी स्टोरी से ज़्यादा जुड़ेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पॉइंट कलेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फीडबैक ले पाएंगे। सो दोस्तों, इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि जो आपका स्टार्टअप आइडिया है उसके थ्रू उसके सराउंडिंग में आप अपना बिजनेस प्लान कैसे क्रिएट करें, या फिर अपना जो प्रोडक्ट का रोड मैप है उसे वो कैसे तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों,
देखिए मैप के लिए जो भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मेन है कि मैं आपके साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट शेयर कर सकूँ और आपको जितने से ज़्यादा स्टार्टअप के बारे में अवेयर कर सकूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करने में कोई कंजूसी ना दिखाएं, आप लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आपका कोई भी सजेशन है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट करके या फिर आप जब भी लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फिर भी मैं और भी अच्छे से वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।